18वीं सदी तक लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 19वीं सदी में आई रेल क्रांति ने दुनिया का चेहरा बदल दिया। उस समय ऐसी जगहों पर रेलवे के रूट्स बनाए गए जहां पहुंचना बेहद ही मुश्किल था। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक रेलवे रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट पास, अलास्का, अमेरिका। ये रेल रूट अमेरिका के अलास्का प्रांत में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर है, जिसे 1900 में खोला गया था। 1982 में कोयला उद्योग के धसने के बाद इसे बंद करना पड़ा। हालांकि 1988 में इसे पर्यटन के लिए खोल दिया गया। एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई होने के कारण पर्यटक सफर के दौरान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बर्फीले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ट्रेन एलास न्यूब्स, अर्जेंटीना। इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है जहां हमेशा बादल छाए रहते हैं और ट्रेन बादलों से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वतमाला से गुजरने वाला ये रास्ता उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से होता हुआ चिली की सीमा तक जाता है। 27 साल की मेहनत के बाद ये रेल रूट 1948 में बनकर तैयार हुआ। 4,220 मीटर की ऊंचाई पर काम करना इंजीनियर्स और कामगारों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। जिगजैग आकार के इस रूट पर 29 पुल, 21 सुरंगें और 13 इनलैंड ब्रिज हैं। कई बार तो इतने घुमावाते हैं कि ट्रेन किसी सांप की तरह पटरियों पर घूमती हुई दिखाई देती है। कुरेंडा सिनिक रेल रोड, ऑस्ट्रेलिया। ये रेलवे ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। 1882 से 1891 के बीच बना ये 34 किलोमीटर लंबा रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है, जो विश्व धरोहर बैरन नेशनल पार्क और मैक एलिस्टर रेंज को जोड़ता है। इस रास्ते पर कई झरने, तीखे मोड़ और गहरी खाइयां हैं। इस ट्रैक के पास एक बड़ा झरना है। जब ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती है तो झरने का पानी यात्रियों को जमकर भिगोता है। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, अमेरिका। ये रूट सिर्फ 7.2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन पूरा नैरो गेज पर बना है। इस ट्रैक को दो पहाड़ों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। 1877 में इस रूट को बनाया गया था, जो 640 फुट की खड़ी चढ़ाई पर है। जिन लोगों को ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, ये रूट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके पुलों और तीखे मोड़ों पर ट्रेन बहुत ही धीरे और सावधानी के साथ गुजरती है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और ऊपर फर्राटा भरती ट्रेन सबको रोमांचित करती है। चेन्नई रामेश्वरम रूट, भारत। समुद्र पर बना 2.06 किलोमीटर लंबा ये पुल दक्षिण भारतीय महानगर चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। 1914 में बनाया गया ये पुल बीच में खुलता भी है और वहां से जहाज और फेरी जाते हैं। कंक्रीट के 145 पिलर पर टिके इस पुल को समुद्री लहरों और तूफानों से हमेशा खतरा बना रहता है। इसके ऊपर ट्रेन में सफर करना रोमांचक है। कई बार पानी का स्तर बढ़ने पर ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।